हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ, ब्रांड न्यू वीडियो जो है मैगजीन्स के बारे में, AK-47 के मैगजीन्स। AK-47, ये हमारे पास AK-47 का मैगजीन है। ये जो है बिल्कुल इसका ओरिजिनल है। हमने ये जो है दो परचेज किए हैं न्यू, वो जो है अभी हमने ये लिए हैं। देख लें आप इसकी, ये आप देख लिए, हमने दो ब्रांड न्यू मैगजीन परचेज किए हैं। इसकी आप लुक्स देख लें, ये दूसरा, अच्छा इसकी कैपेसिटी 30 है, इसमें 30 बुलेट्स आती हैं तीनों की, और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। ये अगर आपको चाहिए हो तो इसमें कॉपीज भी मिलते मिल जाती है। कॉपीज जो है इसकी तकरीबन, हाँ, उसकी प्राइस जो है वो भी इसकी तरह सेम होती है। पहचान इसमें मुश्किल हो जाता है कॉपीज में, ठीक है। कॉपी इसमें पहचान इसलिए मुश्किल हो जाती है क्योंकि इस तरह की कॉपी भी है कि उसका पता बिल्कुल नहीं चलता। अगर प्रोफेशनल बंदा ना हो इसमें, वो बंदा जो खास कारोबार कर रहा हो इसका, उसकी अपनी शॉप हो, वो उसको पहचान सकता है। उसके अलावा कॉपी में और इसमें फिर पहचान करना मुश्किल हो जाता है। उस कॉपीज की प्राइस जो है कम है, लेकिन इसकी प्राइस बहुत हाई है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसकी प्राइस जो है 6000। अगर किसी के पास पड़े हो पहले से 2 महीने 3 महीने, तो इसकी प्राइस वो आपको लगाएंगे 6000 से 7000 के बीच में, ठीक है। अगर वो न्यू आपके लिए मंगवाए तो वो होगा 8000 से 9000 इसके बीच में। और अगर वो उसमें इसमें कॉपी भी है बिल्कुल सेम, उसमें पहचान करना मुश्किल होता है, उसकी प्राइस जो है 2000 तक है, 2000 2000 2500 से 2000 तक इसके बीच में मिल जाएगा। लेकिन उसमें फर्क ऐसा इतना बिल्कुल इसकी तरह सेम होता है, लेकिन ये होता है कि वो उसमें कॉपी होती है, खामा खा उसका डुप्लीकेट होता है। ओरिजिनल मैगजीन और डुप्लीकेट मैगजीन के बारे में फ़र्क ये है कि ओरिजिनल मैगजीन जो होता है वो लाइफ टाइम चलता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि इसका स्प्रिंग जो है, इसमें ओरिजिनल लगा होता है। स्प्रिंग जब इसका ओरिजिनल हो तो उसमें बुलेट इजीली इजेक्ट करती है उसमें। अगर डुप्लीकेट हो, उसका मसला ये है कि थोड़े अरसे बाद उसका स्प्रिंग लूज हो जाता है क्योंकि वो मटेरियल अच्छा नहीं होता, तो फिर बुलेट इजेक्ट नहीं होती, फिर उससे फिर आपका पूरा गन खराब हो जाता है, पूरा आपका AK-47 का वो फंक्शन सही नहीं करता। इसी वजह से फिर आपको मसला होगा, वही मज़ा आपको नहीं आएगा जिस तरह इसमें जो ओरिजिनल में होता है। ये इसी तरह इजीली इस बुलेट इजेक्ट होती है, जैसे आप लोड करते हैं बुलेट इजीली ऊपर इजेक्ट होती है इसमें। ये और दो उसमें ये कि मसला ये आ जाता है कि बुलेट इजीली इजेक्ट नहीं होती सही। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी गन ओरिजिनल है तो आप मैगजीन भी ओरिजिनल लें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि अगर इनकेस आपके साथ कोई ज़रूरत पड़ जाए, ज़रूरत के टाइम आपने डुप्लीकेट मैगजीन लगाया हो, तो आपको मसला हो जाता है। क्योंकि ओरिजिनल मैगजीन में ये होता है कि आपको टेंशन नहीं होती कि मतलब ऐसा ना हो कि बुलेट फंस जाए वगैरह, कोई दूसरी बात वो नहीं होती। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा आप ओरिजिनल मैगजीन यूज़ करें और वो यूज़ ना करें। उस 2000 रुपये में अगर आप ले भी लेना तो थोड़े मिसाल के तौर पर तो 2-3 महीने 1 साल चल जाए, उसके बाद वो खुद ही काम छोड़ देगा। और डुप्लीकेट मैगजीन में ये होता है कि उसको 2 महीने बाद 3 महीने बाद हर वक्त मुरम्मत की ज़रूरत होती है। मुरम्मत के लिए आपको बार बार फिर जाना पड़ता है क्योंकि घर में आप मुरम्मत कर नहीं सकते इसलिए उसका। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ओरिजिनल मैगजीन लें ताकि आपको बार बार ये मसला पेश ना हो। बस एक बार मैगजीन लें, फिर 2-3 साल 4 साल तक जितना आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।